सो गाइस, हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट कर दिया है एंड हम बस थोड़ा सा जंगल के अंदर आ गए हैं। सो मेरे साथ में है निकॉन वाला, मीट निकॉन वाला। हाय। एंड ये है आदि। एंड छोटा सा ट्रैक है, ये लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है टू एंड फ्रो। सो बस ये ध्यान रखना कि थोड़ा सा कि जब भी आप ऐसे ट्रैक्स पे आएँ तो एक तो अपने शूज़ अच्छे लेके आएँ साथ में, अपने प्रॉपर ग्रिप वाले शूज़ आपके पास हो, एंड सेकेंडली थोड़े ग्रुप में आए, यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं एंड पैंथर्स यहाँ पे अक्सर देखे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन के लिए आप अकेले ना आए। काफ़ी पतला रास्ता है ये, सो इसलिए आई वॉज सेइंग कि आप जब भी ऐसे हाइक पे आएँ तो अच्छे हाइकिंग बूट्स आपके पास हों या ट्रैकिंग शूज आपके पास हों, सो दैट आपको अच्छी ग्रिप मिले चलने में। गाइस, वी हैव ऑलमोस्ट रीच हथनीकुंड, बट अभी वी हैव डिसाइडेड कि हम पहले हथनीकुंड नहीं जाएंगे एंड थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे काफ़ी क्राउड भी है, तो वी वट लाइक कि थोड़ा सा थोड़ा खाली हो जाए वो हथनीकुंड का एरिया, तो तब हम वहाँ पर जाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा आगे हम जाएंगे एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एरिया को, एंड वेन विल बी कमिंग बैक, तो तब हम हथनीकुंड होते हुए वापस जाएंगे। एज यू कैन सी हेयर, वी कैन सी सम बोन्स, है ना, ये लग रहा है किसी एनिमल की है। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं, सो आप थोड़ा ध्यान से आए। फाइनली रीच हथनीकुंड, रियली टायर्ड राइट नाउ, भूख भी बहुत लग रही है।
दिस वॉज द हथनीकुंड ट्रैक एंड अगर आप मानसून के टाइम पे बारिश के टाइम पे आते हैं तो ये जो पूरा आपके मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा वाटरफॉल होता है। वी विल ट्राई कि अगर मानसून के टाइम अगर हम जयपुर में हुए तो आई विल डेफिनेटली कम एंड शो यू दिस प्लेस अगेन। इसके अलावा आपसे सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैंने अभी पूरे इस ट्रेल पर नोटिस करी कि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं हर जगह बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा कचरा है, प्लास्टिक है, पॉली बैग्स हैं, जो भी हम खाने के साथ अपने स्नैक्स बॉटल्स लेके आते हैं वो सब यहाँ पे फैला हुआ है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये कचरा ना फैलाएं, अपने साथ आप लेके आए हैं तो उसको वापस लेके जाएं, अच्छे से डिस्पोज करें। इसी के लिए वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड मिशन दैट इज़ अरावली क्लीन अप। तो इसमें अरावली हिल्स के जितने भी ट्रेल्स हैं जयपुर के आसपास और जयपुर में उनको हम क्लीन कर रहे हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मिशन ऑल्सो जस्ट डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं एंड उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो मैं सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा अरावली क्लीनअप के बारे में भी एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज माई न्यू चैनल सो आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और राइट नाउ आई एम जस्ट लिविंग फॉर दिल्ली, जहां से आई विल बी गोइंग फॉर अ न्यू ट्रैक। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। And I will see you in Delhi.